रानू मंडल की बॉलीवुड एंट्री का राज खुल गया है। आखिर किस वजह से हिमेश रेशमिया ने उन्हें गाना गाने का ऑफर दिया था, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप जियो न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और यदि यह वीडियो आपके दिल को छू जाए ना, तो इस वीडियो को उसी तरह लाइक और शेयर कीजिएगा जिस तरह आपने रानू मंडल के पहले वीडियो को लाइक और शेयर किया था और सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया था और एक गरीब और असहाय महिला की किस्मत बदल दी थी। पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन पर अपना गाना गाकर गुजारा करने वाली रानू मंडल रातों रात सुपरस्टार बन गई। हालांकि सुपरस्टार बनने से पहले रानू मंडल का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है। यहां तक कि उनके पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं था। इन बातों का खुलासा खुद रानू मंडल ने सोनी टीवी पर आने वाले शो सुपरस्टार सिंगर के मंच पर किया। इसके अलावा रानू मंडल ने गायकी के मंच पर एक जबरदस्त गाना भी गाया, जिसे सुनकर खुद जावेद अली भी हैरान रह गए। सुपरस्टार सिंगर के इस प्रोमो वीडियो में आपको दिखाया गया है कि शो पर रानू मंडल के आते ही वहां मौजूद लोग उनका सम्मान करते हैं। इसके बाद शो के होस्ट जय भानुशाली रानू मंडल से पूछते हैं कि वह स्टेशन पर गाना क्यों गाती थी। रानू मंडल ने इसके जवाब में कहा, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, मैं स्टेशन पर अपना पेट पालने के लिए गाना गाती थी। वहाँ गाना गाने पर कोई मुझे बिस्कुट दे देता, कोई खाना और तो कोई पैसा दे देता था। इसके बाद रानू मंडल ने जावेद अली के कहने पर प्यार का नगमा गाना भी गाया। रानू मंडल के इस टैलेंट को देखकर हिमेश रेशमिया काफी प्रभावित हुए। इसके साथ ही उन्होंने रानू मंडल से उनकी फिल्म के लिए एक गाना गाने का भी ऑफर। रानू मंडल से अपनी फिल्म के लिए अनुरोध करते हुए हिमेश ने कहा था, आप बहुत सुरीला गाती हैं, मुझे सलमान भाई के पापा हमेशा कहते हैं कि अगर कोई टैलेंट दिखे तो आप उसे आगे लाने की पूरी कोशिश करो, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी फिल्म के लिए एक गाना जरूर गाएं। तो इसी तरह आप भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो गरीब व्यक्ति के टैलेंट को आप अब निखार सकते हैं और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो बनाकर जरूर वायरल कर सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति की किस्मत बदल जाए। तो यदि यह वीडियो आपके दिल को छू जाए ना, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी जान जाएँ कि आखिर रानू मंडल क्यों इतना सुपरस्टार बन गई।